जय भवानी होटल मैनेजमेंट बोर्डिंग को जो है 94,14,800 अमाउंट जो है सब्सिडी अमाउंट आया, तो इसका पार्टनर क्या करे इसको मालूम नहीं, से टूरिज्म डिपार्टमेंट में शामिल होके इनको पता नहीं लगने के दूसरा अकाउंट गुलबर्गे में फोर्जरी अकाउंट ओपन करके इसका 94 लाख पूरा उठा लेके चले गया, इसको मालूम ही नहीं है। और जो है वो लोन अमाउंट को करना 94 लाख एक्चुअली लोन लिए जो है वो नहीं किया, लोन अमाउंट भी इसके सर के ऊपर है, इसका सब्सिडी अमाउंट भी खा के चले गया। वो फिर बार वो जो CL7 उन्होंने चला रहा है, फ़ायदा भी नहीं दे रहा, तीनों उन्होंने रख लेके इनको बाहर डाल को जो है उन्हों आज कॉल करेंगे, बात करेंगे, तर्ज करेंगे, पंचायती करेंगे, वो करेंगे, टाइम पास कर ले, कल तक यहाँ तक आया। अभी उन्होंने लोन अमाउंट जो है KSF वाले नोटिस दिए उसको, कितना हुआ 1,94,00,000 हुआ, 1,94,00,000 लोन अमाउंट नहीं दिए, भरो बोल के नोटिस दिए। अब वो लोन अमाउंट कहाँ से भरना है, इसके बाद दुकान में नहीं है वो भी नहीं है, अब वो नहीं हुआ तो इन्होंने फांसी डालने का एक ही प्रॉब्लम है इसको, इसलिए इन्होंने DC को मेमोरेंडम दिए कि मेरा पैसा मेरे को दिलाओ, फ्रॉड हुआ है उसके ऊपर केस बुक करो और मेरा जो है दुकान मेरे को दिलाओ बोल के अपील किए, और अपील करके आज प्रेस मीट करके बोले इमीडिएटली ये काम होना बोल के हमारी अपील DC को मेमोरेंडम दिए। अभी उन्होंने बात करते हैं, इनसे बात कीजिए। दोनों पार्टनर में चला जाते सर, जय भवानी होटल बोर्डिंग एंड लॉजिंग सर, ये कोटली क्रॉस चिंचोली तालुक में सर। वैसे सर हम लोग का भी कैसा, सब दोनों मिलकर चला रहे थे, तभी हम लोग का उनके हाथ में दे गया था सर हमें होटल चलाने के लिए, कि हम दोनों का तो जैन हमारे पार्टनर करने के बाद, तो आप क्या करो अपना जो मेरा जो EMI जो भी आएगा बैंक का उसका आप संभाल लो, जो भी आएगा अमाउंट उसका ऐसा करके मैंने बोल दिया सर। उसका मिनिमम तो मैं 1 महीने का कितना सर, 1.5 लाख तक आएगा, कभी कभी 1,30,000 तक आएगा सर उसका। आप क्या करो ये अमाउंट अपना बैंक में ये भर लो करके ठीक है करके बोल दिया सर। फिर मैंने दूसरा अपना काम के लिए मैं निकल गया था सर, कि अपना जो भी है संभालो आप करके गया था। तो उसके बाद में सर मैं टूरिज्म का भी थोड़ा ये किया था, अपील किया था, उसके बाद वो सब होटल का भी आ गया था सर मेरे कान पे, आ गया था कि सब होटल का सब्सिडी अमाउंट आ गया है, आपका अभी तक क्यों नहीं आया। तो मैंने इंक्वायरी करने गया सर, तो बोला कि नहीं अभी तक आया नहीं आपका होटल का, बाकी होटल का लिस्ट में आया है लेकिन आपका अभी तक आया नहीं, अभी 1-2 महीना 3 महीना ऐसा रुको, आपका भी आ जाएगा, टेंशन मत लो, ऐसा बोल के सर मुझे भरोसा दिलाया। फिर मैंने वापस गया, फिर सब होटल के बाद में और आया सर, तो मुझे भी बोलने लगा कि मेरा होटल का तो अभी आ गया करके मैंने सुना हो, लेकिन आप लोग मुझे नोटिस तक क्यों नहीं भेजा अभी तक, एक भी नोटिस नहीं अपना, आप तो 2-3 नोटिस भेजने वाले, एक भी नोटिस नहीं क्यों नहीं आया अभी तक। वो बोलते आपके पार्टनर को पता, पार्टनर से मतलब नहीं है, प्रॉपर्टी मेरी है, लाइसेंस भी मेरा है, सब कुछ अंदर मेरा है, तो उनका खाली बिजनेस पार्टनर था ना, तो उनको क्यों जानेगा। जो भी है सब लोन तो मेरे नाम से उठाया ना, 1,49,00,000 लोन मैंने उठाया था, तो मुझे आना चाहिए ना सब्सिडी का भी अमाउंट, मुझे आना चाहिए, पार्टनर से कोई लेना देना नहीं है उसमें। तो सर वो भी मुझे मालूम नहीं गया सर, तो बाद में और एक बार मैंने पूछने गया, तो बाद में बोलते कि अब 1-6 महीना रुको, आपका अमाउंट कहीं भी नहीं जाएगा, जो लोन जिस बैंक से आपने लोन लिया है ना उसी अकाउंट में आपका अमाउंट जमा हो जाएगा। तो ये वर्ष मैं गया सर, बाद में ऐसा धीरे बोलते बोलते गया सर, बाद में मुझे पता चला कि बाद में आपका अमाउंट तो आ गया है, आपका जो पार्टनर है गुंडे या नागा गुत्तेदार उसके अकाउंट में दूसरा फोर्जरी अकाउंट निकाल के वो अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया। तो बाद में वो मालूम होने के बाद सर उसके पास भी गया, वो बोलते कि पूछने का नहीं मुझे अमाउंट के बारे में, आप बिल्कुल पूछने का, अगर पूछेगा तो बात अलग है, पूछने में जाकर बोल दिया सर, मुझे धमकाने लगा। तो मैंने चलो ठीक है छोड़ दिया सर, बाद में गया मेरे वापस, तो वो भी सर घुमाने लगे कि वो मुझे कुछ मालूम नहीं है, आप बोलो मत मेरे सामने, आप उनके पास ही जाओ करके मुझे इग्नोर कर दिया सर ये लोग, टूरिज्म डिपार्टमेंट वाले भी ऐसा बोल बोल के सर, वो बोलते कि बाद में छोड़ दे सर, अभी बैंक वाले मुझे फोर्स करे सर, आपका मैं बिल्डिंग में सीज करूँगा, आपका ना सब्सिडी का लोन भी उठाया लेकिन आपने भर क्यों नहीं पाए। तो मैं बोला कि सर सब्सिडी का लोन मुझे मालूम नहीं सर, अभी तक मैंने इंक्वायरी किया तभी मुझे मालूम है, तभी आप चाहे तो आप पूछ लो इंक्वायरी करके। तो बोलते कि चलो ठीक है, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ सर सरकार को कि मेरा जो अमाउंट है सब्सिडी का अमाउंट जो मेरा पार्टनर जो लिया है वो रिकवरी करके अपना लोन के अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए बोल देता हूँ सर। वही मिलते सर, ये सब्सिडी का जो अमाउंट मिला ना सर 2021 में मिला है सर, लेकिन मुझे ऐसे दबाते ये लोग मुझे एक भी नोटिस नहीं दिया सर ये लोग, और माहिती भी नहीं दिया इसके बारे में, जानकारी भी नहीं दिया। ऐसा करते करते मैं भी बोल रहा हूँ सर कि ये लोग सब शामिल है कि इसके बारे में मुझे बताया नहीं, ये रिक्वेस्ट है सर कि बस मुझे थोड़ा ये कर दो सर।